हाँ, दिस अमिका शेल. सो मैं सबसे पहले तो मैं सिंगर हूँ. आई वॉज फुल टाइम अ सिंगर बट राइट नाउ आई एम डूइंग एक्टिंग एज वेल. तो वेब सीरीज की बात करता हूँ, आप बहुत सारे वेब सीरीज में आ चुके हैं. आने वाले समय में आप कौन से वेब सीरीज में आपको ऑडियंस देखेगी आपको? सो आने वाले वेब सीरीज तो अभी तक मैंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, बट देर इज कपल ऑफ वेब सीरीज. देर इज अ वेब सीरीज फ्रॉम हंगामा चैनल, देर इज अ वेब सीरीज फ्रॉम सम अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जो मैंने काफ़ी बिग लेवल पे शूट किया है. सो ऑफिशियली अनाउंस नहीं, तो अभी फिलहाल तो वो अनाउंस नहीं कर सकती. OTT प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूँ कि आपकी मूवी जो फर्स्ट मूवी है वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, तो आपको दुख था कि ये अगर सिनेमा घर में होती तो और अच्छा चलती, ऐसा कुछ दुख था क्या? येस ऑफ कोर्स. जब ये लॉकडाउन आया, जब ये कोरोना वगैरह आया, और जब हमने सुना कि लक्ष्मी बॉम्ब इज़ नॉट रिलीजिंग ऑन थिएटर, तो मुझे काफ़ी हद तक बुरा लगा, बिकॉज माई फर्स्ट मूवी और पहली मूवी के हिसाब से वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है. मैं पहली बार खुद को 70mm स्क्रीन पे देखने का जो, मतलब मेरे अंदर जो कीड़ा था वो तो अधूरा रह गया. और बट ठीक है, एटलीस्ट इट रिलीज्ड. काफ़ी सारे मूवीज़ तो बंद हो गए कोरोना के वजह से, बट एटलीस्ट लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज एंड इट वाज अ बिग हिट, और इट वाज लाइक बिग ओपनिंग इन ऑन OTT प्लेटफॉर्म टिल येट. तो उसके हिसाब से आई एम लाइक क्वाइट हैप्पी. तो लक्ष्मी बॉम्ब की बात करना चाहता हूँ. लक्ष्मी बॉम्ब जो कि एक रीमेक मूवी है, और अक्षय कुमार को एज अ फैन बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देखे, जैसे कि रुस्तम हो गया, गोल्ड हो गया, और लक्ष्मी बॉम्ब हो गया. कैसा इंस्पायर्ड हुए? मतलब वो सब इतने डिफरेंट रोल्स करते हैं, तो क्या आप भी डिफरेंट रोल्स के लिए तैयार है? बिल्कुल ऑफ कोर्स. मैंने अभी तक जितने भी वेब सीरीज़ में या फिर सीरियल्स में भी मैंने जितने रोल्स प्ले किया है, हर एक प्रोजेक्ट में मैंने अलग अलग किरदार प्ले किया है. दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू एक्टिंग एज वेल. तो एक डिफरेंट कैरेक्टर अलग अलग प्रोजेक्ट में प्ले करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत चैलेंजिंग होता है. और रिसेंटली तो मैंने एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो, जिसके मतलब आजू बाजू से भी मतलब मेरा कैरेक्टर नहीं जाता, जो एक बहुत ही ज़्यादा गाँवटी कैरेक्टर है, एकदम बिहारी भोजपुरी टाइप्स. तो उस टाइप का कैरेक्टर प्ले करने जब मैं गई थी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला, इट वॉज़ लाइक वेरी चैलेंजिंग. मतलब वहाँ का एक्सेंट, भोजपुरी टाइप्स बोलना, एकदम गाँवटी तरीके से पेश आना, कॉन्फिडेंटलेस एक गर्ल की तरह पेश आना बहुत चैलेंजिंग होता है. तो खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करके मैंने क्वाइट अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वो भी वेब सीरीज में बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी. हाल ही में लॉकडाउन भी हुआ, अब अनलॉक हो रहा है, बट अभी भी नाइट कर्फ्यू है. और कोरोना बोले तो ठीक, मतलब अभी इतने पीक लेवल में नहीं था जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लॉकडाउन में बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज मैं इतनी बिजी रहती हूँ, हर दिन बहुत सारा काम रहता है, अगर शूट रहता है तो पूरे दिन तो उधर ही चला जाता है. सो लॉकडाउन में पूरे घर पे बैठ गई थी मैं, एंड इट वॉज देर वॉज नथिंग टू डू. मतलब फुल डे घर पे सिर्फ खाना सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं, ना बाहर जा सकते, ना घर के अंदर किसी को बुला सकते. सो इट वॉज़ लाइक रियली पथेटिक सिचुएशन फॉर मी, एंड नॉट फॉर मी, मतलब ओनली सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए डेफिनेटली होगा. और इसके वजह से मेंटल काफ़ी सारे नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस आए. आई वॉज लाइक गोइंग क्रेजी दैट टाइम. तो ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, जो बहुत कंट्रोल करना मुश्किल था, बट फाइनली अनलॉक हो गया एंड इट गॉट सॉर्टेड. अनलॉक जब हो रहा था तब जिम्स, लॉकडाउन जब हो रहा था तब जिम भी बहुत सारे बंद थे, एंड जब अनलॉक हुआ, when you went first day in your gym, so you started from leg press, and आपके Twitter account या Instagram account की भी बात करें तो बहुत सारे आप fitness के videos डालते हैं, तो आप fitness को लेके कितना possessive हो? मैंने जैसा बोला कि मैं सिंगर थी, तो आई वॉज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, बट जब मुझे लगा कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है एंड आई एम गेटिंग टू मच चबी एंड लाइक फैट, तो मेरे मॉम डैड ने सजेस्ट किया कि आई थिंक यू शुड जॉइन जिम. तो मैंने ऐसे ही बस फैट बर्न करने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया. बट उसके कुछ महीने बाद आई स्टार्टेड लाइक पैशनेटली जिम. सिर्फ आदत नहीं, मतलब एक लाइफ स्टाइल बन गया था मेरे लिए, एंड
अभी तो मतलब फुल ऑन जिम फ्रीक हूँ. विदाउट जिमिंग आई कैन नॉट स्टे. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिस हो गया दिन में जिम नहीं किया तो. एंड उसके अलावा भी मेरा एक थिंकिंग है कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो देर इज़ सो मैनी एक्टर्स, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर के हिसाब से. तो अगर सबसे बेस्ट बनना है तो यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी फिट एंड यू हैव टू बी यूनिक फ्रॉम द अदर एक्टर्स. सो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जिम करने का. तो आप बॉलीवुड में किसको एज अ रोल मॉडल मानते हो? बॉलीवुड में मैं जिसको रोल मॉडल मानती हूँ दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा. शी इज़ रियली कॉन्फिडेंट, रियली हार्ड वर्किंग एंड हमने उनका जो करियर ग्राफ देखा है बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. एंड उनके इंटरव्यूज़, उनके पॉजिटिव कोट्स, उनके पॉजिटिव स्पीचेस सारे इतने मोटिवेशन देते हैं और मैं तो काफ़ी सुनती हूँ उनके उनके मतलब डायलॉग्स हो, स्पीचेस हो, जो भी वो लोग वो बोलती है. एंड द करियर ग्राफ ऑफ हर इंस्पायर्ड मी अ लॉट. हेटरेट की बात करूँ तो अभी रिसेंटली बॉलीवुड में बहुत सारा हेटरेट है. कुली नंबर वन हो गया, फिर उसके पहले सड़क टू आई ओ टी डी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा हेटरेट फैल रहा है बिकॉज ऑफ वन रीज़न एंड यू नो दैट रीज़न. सो उसके वो हेटरेट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नॉर्मल चीज़ें हैं लाइक सिर्फ मतलब एक चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ ये आता गया. मतलब एक नेगेटिव चीज़ आई हमारे इंडस्ट्री में, उसके ऊपर डिपेंड करके एक के बाद एक आता गया. सो दैट वाज अ बैड फेज़ ऑफ आवर इंडस्ट्री. ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैं बोलना भी नहीं चाहती और मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली है भी नहीं. मतलब एक फेज़ था हमारी इंडस्ट्री की जो कोरोना के टाइम पर बहुत ज़्यादा लाउडली आ गया और जिसकी वजह से काफ़ी सारा कुछ होने लगा, ये वो एंड दिस थिंग. बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. ओके, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा. एक जगह अनन्या पांडे एंड ऑन द अदर हैंड देर इज़ प्राची देसाई. एंड व्हेन यू सी प्राची देसाई मूवीज शी इज सो टैलेंटेड. ऑन द अदर हैंड अनन्या पांडे इज नॉट सो टैलेंटेड एंड उनकी मूवी इतनी नहीं चलती है. प्राची देसाई इज़ अ न्यू कमर, यू आर ऑल्सो अ न्यू कमर. सो अब भी प्राची देसाई का इतना बॉलीवुड में नहीं है मूवीज. सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? आई गिव माई बेस्ट, आई डू हार्ड वर्क एज मच एज पॉसिबल. चाहे मेरे सामने कोई भी स्टार किड हो, आई रियली डोंट केयर. आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन हार्ड वर्क. क्योंकि आज अक्षय कुमार को भी देखा जाए तो ही डोंट बिलोंग फ्रॉम अ स्टार फैमिली बट ही इज़ द बेस्ट टिल येट. एंड स्टार किड्स भी रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, बट उनके साथ साथ न्यूकमर्स जो हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे, पैशन रखेंगे, उनको भी जगह मिलेगी. दैट्स व्हाट आई बिलीव. हाउ डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर 2021? बहुत होप है 2021 से. आफ्टर अनलॉक बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट सो मच वर्क, सो मेनी वर्क एक्चुअली. एंड आज के डेट पे भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ शूट्स वगैरह लेके, काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के. और अगर मतलब पेरेंट्स की आशीर्वाद रही तो आगे भी बहुत बिजी रहूँगी. एंड 2021 में डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट मोर फ्रॉम 2020. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. नाइस टॉकिंग टू यू टू. थैंक यू.